हेलो फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया की लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी के अपडेट देने वाला आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू एक बार फिर से आप सभी के लिए डिफेंस सेक्टर की बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी की अपडेट लेकर आ गया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी द्वारा रिलीज की गई SSR की जबरदस्त वैकेंसी की अपडेट देने वाले हैं। तो फ्रेंड, यदि आप भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, ताकि आपको भी इसमें इस भर्ती से रिलेटेड किसी भी जानकारी से कोई भी डाउट ना रहे और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाए। तो चलिए फ्रेंड, आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है, कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कब से कब तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, और उसके लिए एग्जामिनेशन फी कितना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड, एंड तक जरूर देखिए और एंड में एक कमेंट करके जरूर बताना कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसकी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया वो DAVP और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जानकारी दी गई है। अभी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो चलिए देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए फ्रेंड, ये है, देख सकते हैं, ये इंडियन नेवी द्वारा रिलीज किया गया नोटिफिकेशन है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो देखिए, इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट फॉर अग्निवीर SSR जनवरी 2023 बैच के लिए। तो इंडियन नेवी द्वारा जो इनवाइट किया जा रहा है आप सभी के लिए, ये अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट के लिए है। किस पोस्ट के लिए है? अग्निवीर SSR के लिए है, और इसमें जनवरी 2023 बैच से इसका स्टार्ट हो जाएगा कोर्स। तो देखिए, इसमें SSR क्या है? सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, ये है। अब देखिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, आपकी योग्यता की क्या शर्तें हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट हु फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनरोलमेंट एज अग्निवीर SSR फॉर जनवरी 2023 बैच और मई 2023 बैच के लिए है। तो इसमें जो भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया के मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, जो कि अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई हुई है उन कैंडिडेट के लिए है, और जो कि गवर्नमेंट के यानी कि भारत सरकार द्वारा इसमें जो कंडीशन है प्रोवाइड किया गया है, योग्यता की जो कंडीशन है, जो इसमें कंप्लीट करता है वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है एक अग्निवीर SSR के रूप में, जो कि जनवरी 2022 से इसका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी कितना है, द टोटल वैकेंसीज आर 1400 यानी कि 1400 इंक्लूडिंग अ मैक्सिमम ऑफ 280 फीमेल ओनली। तो इसमें 1400 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की जा रही है, जिसमें 280 पोस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। और देखिए फ्रेंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आगे और क्या है शर्तें, उसको नीचे दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यदि है क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशन विद मैथ्स फिजिक्स एट लीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपको जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर चुके हैं। किस सब्जेक्ट से? मैथ एंड फिजिक्स, ये तो कंपलसरी है, और आपको कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अब इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसमें आपको एज लिमिट ओवरऑल बता दिया जाए तो इसमें 17 साल 6 महीना से लेकर मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 21 साल होनी चाहिए। और इसमें दिए कैंडिडेट के लिए दो डेट दिया है कि 1 मई 2002 से पहले कैंडिडेट का जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, और जो है 31 अक्टूबर 2005 के बाद जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। बोथ डेट इंक्लूसिव, यानी दोनों डेट शामिल किया जा रहा है। अब देखिए, इसमें मैरिटल स्टेटस आपके पास, ये मैरिड के लिए, शादी के लिए क्या स्टेटस दिया हुआ है, ओनली अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट एज अग्निवीर। तो इसमें देखिए, इसमें कहा जा रहा है केवल अनमैरिड यानी अविवाहित महिला, भारतीय महिला और अविवाहित भारतीय पुरुष
ही इसमें एलिजिबल है, योग्य है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट मैरिड है, जिनकी शादी हो चुकी है, वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दिया है, कैंडिडेट विल हैव टू गिव सर्टिफिकेट बीइंग अनमैरिड एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट। और इसमें ये भी कहा जा रहा है, जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, फॉर्म अप्लाई के समय आप सभी को अनमैरिड अविवाहित होने का सर्टिफिकेट भी देना होगा। और यदि आपको सर्विस के टाइम, जो आपको ये दिया 4 साल की सर्विस होगी, उसके बीच में यदि आपको विवाहित पाया जा रहा है तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा सर्विस से। और इसमें ये दिया है कि 4 साल की जो इसमें टेन्योर होगा, उसमें 4 साल के बीच आप मैरिड नहीं कर सकते, मैरिज नहीं हो सकते और शादी नहीं कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे अग्निवीर शैल नॉट बी परमिटेड टू मैरिड ड्यूरिंग दियर इंटायर टेन्योर ऑफ 4 ईयर इन द इन, तो दिया हुआ है इंडियन नेवी में, तो इंडियन नेवी में 4 साल का जो टेन्योर दिया हुआ है, उसके बीच आप शादी नहीं कर सकते। अ कैंडिडेट शैल बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इफ ही आर सी मैरिज ड्यूरिंग हिज हर टेन्यूर आर इज फाइंड टू बी ऑलरेडी मैरिड डिस्पाइट गिवेन सर्टिफिकेट ऑफ बींग अनमैरिड। तो इसमें ये भी कहा गया है कि यदि आपको सर्विस के दौरान शादीशुदा पाया जाता है तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। और देखिए टर्म एंड कंडीशन क्या दिया हुआ है फ्रेंड, इसमें आपको दिया हुआ है जैसे कि छुट्टियाँ कितनी आपको दी जाएगी। 1 साल में आपको 30 छुट्टी दी जाएगी, चाहे आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मिलाकर टोटल 1 साल में 30 छुट्टियां दी जाएगी। और देखिए पे अलाउंस एंड एलाइड बेनिफिट तो दिया हुआ है, इसमें अग्निवीर विल बी पेड अ पैकेज ऑफ 30,000 पर मंथ विद अ फिक्स ईयरली इंक्रीमेंट। तो इसमें ये दिया हुआ है फ्रेंड कि आपको हर मंथ 30,000 तक की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ आपको हर वर्ष आपकी सैलरी एक फिक्स्ड मनी के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा आपकी सैलरी। तो देखिए इसमें ये भी दिया हुआ है कि आपको कुछ इसमें से फंड के रूप में काट लिया जाएगा सैलरी, और आपको कुछ इन हैंड आपको हाथ में दिया जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट ईयर आपको 30,000 की सैलरी रहेगी, जिसमें से 21,000 आपको इन हैंड यानी 70% आपको दिया जाएगा और 30% आपको फंड के रूप में काट लिया जाएगा, जो कि आपको 4 साल की सर्विस के बाद आपको टोटल दिया जाएगा रिटायरमेंट के दौरान। तो देखिए फ्रेंड ये दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है हर साल कितनी बढ़ाई जाएगी। जैसे फर्स्ट ईयर जो होगा 30,000, सेकेंड ईयर 33,000 होगा, फोर्थ ईयर 36,500 होगा, और थर्ड ईयर होगा 36,500, और फोर्थ ईयर जो होगा 40,000 तक की आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ ये दिया हुआ है जैसे लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना दिया जा रहा है आपको, डेथ कंपेंसेशन के लिए, डिसेबिलिटी कंपेंसेशन है, इनरोलमेंट के लिए दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड अब देख लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपको 3 स्टेज में होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर SSR जनवरी 2023 बैच विल बी इंक्लूड 3 स्टेज, IE शॉर्ट लिस्टिंग, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड इनिशियल मेडिकल एंड फाइनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 3 स्टेज में यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो चलिए फ्रेंड अब देखते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्या दिया हुआ है स्कीम, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसकी भी जानकारी दे देते हैं। देखिए कंप्यूटर बेस्ड जो होगा इसमें आपको फर्स्ट नंबर देखिए 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। सेकंड देखिए इसमें जो क्वेश्चन होगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। और देखिए फ्रेंड कौन कौन सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 4 सेक्शन से, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस से देखने को मिलेगा क्वेश्चन। और देखिए इसमें दिया हुआ है आपका जो स्टैंडर्ड होगा, किस स्टैंडर्ड का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 10+2 स्टैंडर्ड का होगा, सिलेबस का होगा, सैंपल का होगा। और देखिए ये जो आपको सिलेबस देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं joinindiannavy.gov.in पर। और देखिए जो ये 100 क्वेश्चन के लिए आपको कितने घंटे का टाइम दिया जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, यानी कि आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एज वेल एज इन द एग्रीगेट।
तो इसमें आपको हर सेक्शन को क्वालिफाई मार्क्स करना होगा, यानी कि आपको पासिंग मार्क्स जरूर होना चाहिए, सभी में क्वालिफाई करना होगा इसमें। और देखिए दिया हुआ है इसमें पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, आपको रॉन्ग आंसर के लिए पेनाल्टी भी है, जैसे रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्किंग जिसे कहते हैं, तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है, पर रॉन्ग आंसर के लिए 0.25, यानी कि 0.25 या 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। और देखिए इसमें आपको जो सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपको इंडियन नेवी के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार दिया जाएगा कहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो इसमें देखिए हर कैटेगरी से 550 रुपये फ़ी ली जा रही है, और फ़ी जो है वो रिफंडेड नहीं है। ये देखिए एक बार अगर फीस पेमेंट हो गई है 550 रुपये तो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, और ऑनलाइन मोड में होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपे कार्ड या UPI द्वारा आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। और इसकी जो एडमिट कार्ड रिलीज होने की इंफॉर्मेशन होगी वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड रिटन एग्ज़ाम हो गया है, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगा, क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज मैंडेटरी, आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट बहुत ही अनिवार्य है क्वालिफाई करना। तो देखिए इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या रिक्वायर्ड किया गया है, देखिए इसमें जो रनिंग होगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी या 1600 मीटर की रेस होगी, जिसमें मेल कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकेंड में अचीव करना होगा, यानी कि इसको क्वालिफाई करना होगा 1600 मीटर की रेस को, और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट दिया जा रहा है 1600 मीटर की रेस के लिए। और देखिए मेल कैंडिडेट के लिए जो स्क्वाट्स है या उठक बैठक है 20 टर्म है, और देखिए इसमें दिया हुआ है फीमेल के लिए 15 उठक बैठक है या स्क्वाट्स है। पुशअप जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए है केवल 12 पुशअप करना होगा, और जो बेंट नी सिट अप है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है, वो भी 10 टाइम्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड और क्या दिया हुआ है इसमें इंफॉर्मेशन, तो ये स्टेज फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, यदि आप फिट होंगे पूरी तरह से तो आपको इसमें सिलेक्शन होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है जैसे कि देख सकते, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय अथॉरिटीज मिलिट्री डॉक्टर्स एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब टू करेंट रेगुलेशन एप्लीकेबल ऑन एंट्री। तो इसमें जो आपका एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो मिलिट्री के जो डॉक्टर होते हैं उनकी अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और देखिए फ्रेंड इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन में आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है दिया है, फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov फ्रॉम 8 दिसंबर 2022 टू 17 दिसंबर 2022, यानी कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, और 8 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ लास्ट डेट जो दिया है 17 दिसंबर, यानी 17 दिसंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 दिसंबर है। तो ये दिया हुआ, और देखिए COVID-19 के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो जो भी रूल होगा उसे आपको फॉलो करना होगा, जैसे कि आपको मास्क लगा के जाना है और आपको अपना डिस्टेंस बनाए रखना है, ये सारे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी द्वारा रिलीज की गई SSR वैकेंसी के बारे में। और फ्रेंड इसी प्रकार अब आपको हम जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में यही इंडियन नेवी द्वारा रिलीज की गई MR रिक्रूटमेंट के बारे में, उसमें भी आपको लगभग 100 पोस्ट के लिए जानकारी दी गई है, 100 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है MR के लिए, यानी मैट्रिक्स रिक्रूटमेंट के लिए है, और उसमें क्वालिफिकेशन जो दिया हाई स्कूल दिया है। तो ये दो वैकेंसी रिलीज की गई इंडियन नेवी की, जो कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास कैंडिडेट के लिए जबरदस्त वैकेंसी, आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और डिफेंस ज्वाइन कीजिए। तो चलिए गाइज वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार नई नई भर्तियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ज्ञानोदय फॉर यू को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नई नई भर्तियों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।